Hello everyone, my name is Deva Barwa and today I'm here with a new video. So this video is about income share agreement of MSME. So many of you are confused about income share agreement. What is the income share agreement and how it is work? So I want to just give a bit idea about income share agreement because मुझे बहुत सारे लोग LinkedIn में message करते हैं कि मैम actually income share agreement है क्या? So I want to share with you. इनकम शेयर एग्रीमेंट एक डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट है जो मसाई और स्टूडेंट के बीच में होता है. उसके अंदर हमें सब कुछ लिखा होता है कि जैसे मतलब मसाई के अंदर हमें पे आफ्टर प्लेसमेंट पे करना होता है उन लोगों को, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि हमें किस टाइम पे कितना कितना पे करना है. और वो मतलब मसाई जो है वो अपने बच्चों को हर चीज की तरफ से क्लियरिफाई रखना चाहता है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि सब चीजें कैसे काम करेंगी, हम लोग कैसे क्या पे करना है. और वो एक प्रूफ भी होता है, एक बिल्कुल अच्छा प्रूफ होता है कि हाँ मतलब वो लोग नहीं हमारे साथ कुछ गलत कर सके और नहीं हम उनके साथ कुछ कर सके, दैट कि हम लोग मतलब जॉब लगने के बाद हमें बैक ना करें पे या फिर कुछ और. तो इसलिए वो इनकम शेयर एग्रीमेंट होता है ताकि उसमें प्रॉपर सब चीजें होती है. तो मतलब जो लोग मसाई में है, यूनिट वन में है, और यूनिट सब लोगों को पता होगा कि इनकम शेयर एग्रीमेंट होता क्या है, लेकिन जो लोग यूनिट वन में है उन्हें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा. और जो लोग मसाई के लिए रीच आउट कर रहे हैं उनको ये बहुत दिक्कत होगी कि आखिर इनकम शेयर एग्रीमेंट है क्या और ये कैसे वर्क करता है. तो आई वॉन्ट टू शेयर, सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि एक लोन है जो मसाई मतलब हम लोगों से लेता है, बट ये लोन नहीं है, इट इज जस्ट एग्रीमेंट. तो उसमें मतलब बस ये होता है कि हम श्योर हों कि हमें कितना पे करना है, और उसमें सब कुछ लिखा होता है कि हाँ आप लोगों को जॉब के बाद पे करना है. बिकॉज बहुत सारे बच्चों का होता है कि हम लोग की जॉब कहीं और लग चुकी है तो ये वो, तो वो ये चीज नहीं चाहते हैं. बिकॉज उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको जॉब लग रही है 6 यूनिट के बाद तो आपको उन्हें पे करना ही पड़ेगा, तो उसका कुछ अमाउंट होता है. और बिल्कुल एकदम रियल चीज है, ऐसा कुछ फेक है नहीं. उसके लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब वैसे वो आपको बता देंगे, रिज्यूम जो बताने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल आइडिया. उसके लिए आपको आपका पैन कार्ड चाहिए, आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड चाहिए, आपको फोटो चाहिए. और अगर ये चीज नहीं होती है ना तो वो उसका भी सब्सक्रिप्शन निकालते हैं कि भाई आप लोगों को मतलब बैंक जो डायरी होती है वो सही होती है. और आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर आपका पैन कार्ड मतलब आपकी लोन्स वगैरह पेंडिंग है, मतलब सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. और वो अगर मतलब नहीं भी है तो वो लोग फिर आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके लिए सब चीजों के लिए गाइड करेंगे. ये था इनकम शेयर एग्रीमेंट के बारे में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन कमेंट मी बिलो, एंड थैंक यू सो मच.